हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन, और अभी कंटिन्यूटी में चल रहा है अगस्त 2021 का क्वेश्चन पेपर, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। पार्ट वन का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैंने सेक्शन ए 2 मार्क्स क्वेश्चन, सेक्शन बी 4 मार्क्स क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं, और आज हम सॉल्व करेंगे सेक्शन सी विच कंटेन्स 6 मार्क्स क्वेश्चंस और ओनली 2 क्वेश्चंस। ये 12 मार्क्स का हमारा सेक्शन है, लेकिन उन दोनों ही क्वेश्चंस में हमारी इंटरनल चॉइस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट चॉइस है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस वन एज द सम ऑफ असिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको इसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स को नेमिंग करते हैं, नेम देते हैं भाई इसको कि लेट ए, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो। लेट ए इज इक्वल टू 6 - 2 - 2 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 और 3। ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है। अब देखो, किसी भी मैट्रिक्स को हम 2 के सम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इनफाइनाइट तरीके से उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। बट अगर हमें किसी मैट्रिक्स को पर्टिकुलर ऐसे 2 मैट्रिक्स में ब्रेक करना है, मान लीजिए मैं इसको ब्रेक करती हूँ बी प्लस सी में, तो एक मैट्रिक्स सर्टेनली सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। उसका केवल एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है? देखो, ए को मैं लिख दूं हाफ इंटू 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं लिख दूं 2a को a प्लस ए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी मैट्रिक्स में मैं a डैश ऐड कर दूं और a डैश माइनस कर दूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं टर्म्स को अरेंज कर दूं, a और a डैश को एक ब्रैकेट में ले लूं मैं, a प्लस a डैश, और बेटा जी a और a डैश माइनस को मैं एक ब्रैकेट में ले लूं, तो ये और ये a सेम है। a को हमने अल्टीमेटली लास्ट में इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। आप इसे सॉल्व करोगे, a डैश से a डैश कैंसिल हो जाएगा, 2a आएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर a ही रह जाएगा। हमने जस्ट इसकी फॉर्म चेंज की है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, a प्लस a डैश का हाफ, और ये बन रहा है a माइनस a डैश का हाफ। यानी हमने अपने मैट्रिक्स a को इन 2 टुकड़ों में स्प्लिट कर दिया। और सर्टेनली अगर आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला आपका चैप्टर आपने एक्सरसाइज कर ली है, तो ये ऑलवेज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट, बट द सम ऑफ एनी मैट्रिक्स प्लस इट्स ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। द डिफरेंस ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये बात आप वेरीफाई करके भी देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन कराते टाइम आपको वेरीफाई भी कराऊंगी। तो अब हम इन 2 टुकड़ों में इसको करेंगे। हमें ए गिवन है, इसको करने का तरीका क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको जस्ट रिमाइंड कराई हैं, रिवाइज कराई हैं, ताकि आपको याद आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चन हमने करना है। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आता है कि किसी मैट्रिक्स को आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में स्प्लिट करना है, तो आपने जस्ट क्या करना है, मैट्रिक्स लेना है, उसको नाम देना है, फिर आपने उसका ट्रांसपोज निकालना है। आफ्टर दैट ए प्लस ए डैश करके एक नया मैट्रिक्स बनाना है और उसका हाफ करना है, ए माइनस ए डैश करके एक और मैट्रिक्स बनाना है, उसका हाफ करना है, और इसको उन दोनों के सम में राइट कर देना है। देखिए मैं कैसे करने जा रही हूं। तो ये बातें जो मैंने अभी यहां राइट की है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम ए आपको मैंने दे दिया, अगला स्टेप हमारा है भाई ए डैश। ए डैश का मतलब है 6 - 2 - 2 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 3 का ट्रांसपोज, और वो ट्रांसपोज क्या होगा, रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। एक एक नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ से आपके निकलते हैं। तो 6 - 2 - 2 - 2 - 3 - 1 और 2 - 1 - 3, ये आपका ए आ गया और ये आपका ए ट्रांसपोज आ गया। अब हम एक नया मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं कि लेट ए प्लस ए डैश, अब हम ले लेते हैं ए प्लस ए डैश। तो ये तो ए हो गया 6 - 2 - 2, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ए ठीक है, प्लस लगाया ए डैश 6 - 2 - 2 - 2 - 3
माइनस वन समथिंग वेंट रोंग, हाँ नहीं ये तो सिमेट्रिक, ये खुद ही सिमेट्रिक है। और बेटा जी टू माइनस वन और थ्री, देखिए अब मैं जब इनको ऐड करती हूँ तो सिक्स प्लस सिक्स कितना आ रहा है हमारा ट्वेल्व, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, टू प्लस टू फोर, देन माइनस फोर, देन सिक्स, देन माइनस टू, और ये आपका आ रहा है फोर माइनस टू एंड सिक्स। लेट मी चेक ये कैमरा की रेंज में है या नहीं। ये सम हमारा हम देखते हैं फिर से, ट्वेल्व माइनस फोर, फोर माइनस फोर, सिक्स माइनस टू, फोर, इन दोनों का सम माइनस टू और सिक्स, ये हमारा ए प्लस ए डैश आया। अब हम पी नाम से एक मैट्रिक्स लेते हैं, लेट पी इज हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, ठीक है भाई, ये ए प्लस ए डैश है और इसका हाफ कर लो, ये है 12 माइनस फोर, फोर माइनस फोर, सिक्स। बस इसमें ना आपको ना कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है, मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो इतने लेंथी क्वेश्चन में थ्रू आउट आप कहीं भी पकड़ नहीं पाएंगे, एग्जाम में टाइम कम होता है। 2 6 जा 12, ये 1 बाय 2 है ना, तो 2 से डिवाइड करना ईच एलिमेंट को, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस 1 2, माइनस 1 और 3, फिर से ये खुद ही आ गया, ये आ गया P, ठीक है भाई। और अब हम ले लेते हैं A माइनस A डैश, A माइनस A डैश, तो A देखिए क्या है भाई, 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3, माइनस 1 2, माइनस 1 3, ठीक है, माइनस ये इसका ट्रांसपोज ये खुद आ रहा है, ये ऑलरेडी सिमेट्रिक है, ये ऑलरेडी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ, क्योंकि ये जीरो बन जाएगा, ध्यान देना है, सिक्स में से सिक्स जीरो, माइनस टू में से माइनस टू, तो ये टोटली एक जीरो मैट्रिक्स बनेगा ए माइनस ए डैश, इसका हाफ करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा क्यू ए माइनस ए डैश। तो भाई जीरो मैट्रिक्स का जब आप हाफ करोगे तो वो भी अगेन क्या बनेगा, जीरो मैट्रिक्स, क्लियर है, नेम इट एज इक्वेशन नंबर टू। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा तो ये जीरो कम ही आएगा आपका, ठीक है ना, आपने जस्ट ए लिया ए डैश लिया दोनों को ऐड करके हाफ किया तो उस मैट्रिक्स को एक नया नाम दे दिया पी, फिर ए माइनस ए डैश किया उसका हाफ किया उसको नाम दे दिया क्यू। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं कि a कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश, ये मैंने बता दिया था a डैश से a डैश कैंसिल हो जाएगा, 2a से 2 कैंसिल हो जाएगा तो a रह जाएगा, यानी कि a को अब हाफ ऑफ a प्लस a डैश को मैंने क्या नाम दिया है p, तो a को मैं p प्लस q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब ये बताना बहुत ज़रूरी है कि p सिमेट्रिक है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि उसने कहा है कि इस मैट्रिक्स को ऐसे दो मैट्रिसेस के सम में रिप्रेजेंट करो इन विच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो पी प्लस क्यू आ गया, तो अब आप यहाँ एम लिख दीजिएगा, सिक्स माइनस टू टू, माइनस टू थ्री, माइनस वन टू, माइनस वन थ्री, यहाँ पी लिख दी, इज इक्वल टू है बेटा जी ये, और प्लस ये दूसरा मैट्रिक्स, तो ये इनके सम तो आ गया, ये मैट्रिक्स इन दोनों का सम में तो आ गया, लेकिन हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी दिखाना है, तो यहाँ अब आप वो वेरिफिकेशन अगर करके दिखाते हैं तो यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स, क्योंकि कुछ टीचर्स अगर आप ये वेरीफाई नहीं करोगे तो मे बी के कुछ टीचर्स आपके मार्क्स यहाँ डिडक्ट कर लें, तो या तो आपने लिखना है कि ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक, या तो आपने लिखना है कि a प्लस a डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक, अदरवाइज आपने जो ये p मैट्रिक्स आया है ना इसका ट्रांसपोज लेके दिखाना है, नाउ p ट्रांसपोज, तो p का जब हम ट्रांसपोज लेंगे यानी कि 6 माइनस टू टू माइनस टू थ्री माइनस वन माइनस प्लस टू माइनस वन थ्री का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो यही मैट्रिक्स फिर से आ जाएगा यानी P आ जाएगा, तो P का ट्रांसपोज P आ गया, तो P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q का ट्रांसपोज करेंगे जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जीरो ही आएगा, जिसे मैं माइनस ऑफ जीरो भी लिख सकती हूँ, तो माइनस ऑफ क्यू आ जाएगा, तो क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये पार्ट
आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको ये जरूर मेंशन करना पड़ेगा कि दिस इज ऑलवेज सिमेट्रिक, या तो आप यहाँ लिखेंगे इस बात को ऑलवेज सिमेट्रिक एंड दिस वन इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो मैं जल्दी से रिपीट कर दूं कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन था और उस मैट्रिक्स को आपने दो मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट करना था जिसमें एक पार्ट सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, दोनों को ऐड करके हाफ किया, एक मैट्रिक्स आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हाफ किया, दूसरा आया, वो वाला हमेशा सिमेट्रिक रहेगा, ये वाला हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक, और हम ए को इन दोनों के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने एक मैट्रिक्स को ऐसे दो मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर दिया, इन विच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। दिस वन इज द ओर पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट्स मैट्रिसेस से आ रहे हैं, तो ये तो कंफर्म है कि हमारा एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन मैट्रिसेस से आ रहा है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स बोथ। तो पहले वाले में था सम एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और यहाँ है अभी कि मैंने स्टेटमेंट स्किप कर दी है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। आपको ये तीन इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, और आपने इसको मैट्रिक्स से सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज, तो हम यहाँ लिखेंगे द अबव सिस्टम can be written as, ठीक है भाई, can be written as ax is equal to b, ठीक है, a का मतलब ये coefficients का matrix 3, 2, 4, then y के coefficients -2, 1, -3, then z के coefficients 3, -1, 2, into x का मतलब एक कॉलम मैट्रिक्स जो इन तीनों वेरिएबल्स को लेके चलता है, और b का मतलब अगेन एक कॉलम मैट्रिक्स जो कि साइड वाले जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इंक्लूड करता है। ठीक है, a ये हो गया, x ये हो गया, b ये हो गया। आपको अलग अलग भी मेंशन करना है कि वेयर a क्या है, 3, 2, 4, -2, यहाँ थोड़ा शॉर्ट फॉन्ट में लिख रही हूँ मैं छोटे अक्षरों में, ठीक है, x का मतलब है x, y, z, और b का मतलब है 8, 1, 4, ठीक है भाई। तो ये आ गया ax is equal to b, थोड़ा सा मैं इसका बेस आपको क्लियर कर दूँ, ax is equal to b आ गया, हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब है हमने x, y, z की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने का मतलब है कि हमें इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, यानी कि कुल मिलाकर हमें मैट्रिक्स एक्स को सॉल्व करना है। मैट्रिक्स एक्स का मतलब हमें यह एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स कब निकले, जब ये ए गायब हो जाए। अब अगर हमारे पास सिंपल एलजेब्रा होता 3x = 4, तो हम क्या करते, x = 4/3 कर देते और आंसर आ जाता, लेकिन ये मैट्रिक्स है, हम ए को इसके नीचे नहीं ले जा सकते क्योंकि हमने कहीं भी मैट्रिक्स डिवीजन नहीं पढ़ा है। तो इस मैट्रिक्स को गायब कैसे करें, इसको गायब करने का तरीका है इसका इनवर्स। अगर मैं दोनों साइड इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान देना, तो ये हमारी जो है प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है, एसोसिएटिव होती है, तो ए इनवर्स ए इंटू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स बी के, ए इनवर्स ए की प्रोडक्ट आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी इंटू एक्स हो जाएगा ए इनवर्स बी, और आइडेंटिटी को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की वैल्यू ए इनवर्स बी आ जाएगी। एक्चुअल में हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी है, हमें ये x, y, z का ही सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो वो हमारा आ रहा है a इनवर्स b, यानी हमें a इनवर्स चाहिए, b हमारे पास ऑलरेडी है। अगर हम a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा जो x के बराबर आएगा, और वहाँ से हमें x, y, z की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारा काम है a इनवर्स निकालना। अब ये a इनवर्स हर बार निकलता भी नहीं है, इनवर्स कब निकलता है ये मैं रेज कर रही हूँ, इनवर्स तब निकलता है जब कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है। नॉन सिंगुलर कब होता है, जब उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो सबसे पहला काम है ए का डिटरमिनेंट चेक करना, ठीक है भाई। तो सबसे पहला काम है ए का डिटरमिनेंट चेक करना, 3 - 2, 3, अगर ये डिटरमिनेंट 0 आ गया, देन देयर इज अनदर वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, उसके लिए आप लेक्चर्स देखें मेरे जाकर मैट्रिसेस के, तो 2, 1, -1, 4, -3, 2, सॉल्व इट। फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, तो 3 डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, ये रो ये कॉलम गया, 2 दोनों से प्लस आएगा, एक माइनस ऑलरेडी आएगा, तो ये हो गया 2-3, यहाँ एक माइनस बाय
जो हम इसको क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं उससे आएगा, और एक माइनस ऑलरेडी है 2, तो ये चला गया, तो ये रो ये कॉलम 4+4 आएगा, ठीक है भाई। और 3 प्लस में आपका आ गया 3, तो 3 के ब्रैकेट में हमारा आएगा -6 -4 -6 -4, तो 2 -3 -1 -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -3, 4+4 8 8 2 16, -10 को 3 से करोगे -30, तो भाई ये आ गया -14, -3 माइनस का 17 आ गया, विच इज नॉन जीरो, ठीक है। हमारा जो डिटरमिनेंट ऑफ ए आया, मैं यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ बाई चांस कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ कैमरा की रेंज से स्किप हो जाए, ए का डिटरमिनेंट -17 आया जो कि नॉन जीरो है, और किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो हो तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है, और जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्लियर हो गया। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हमारा काम रह गया इन्वर्स निकालने का। अब ए का इन्वर्स क्या होता है, वी नो, हमें पता है कि ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अब हमारा अगला काम है एडजॉइंट ए निकालने का। एडजॉइंट ए क्या होता है, ए के सभी कोफैक्टर्स को लिख कर उसका ट्रांसपोज। तो अब हम फाइंड करते हैं ए के सभी कोफैक्टर्स। नाउ वी विल फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये थोड़ा लंबा पड़ता है, ठीक है। तो मैं एक मैट्रिक्स से आपको बता, एक एलिमेंट से अच्छे से समझाऊंगी। ये आपका मैट्रिक्स है 3-2-3, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है A11, तो इसका कोफैक्टर अब हम लेने जा रहे हैं कैपिटल A11, ये होगा -1 की पावर 1+1, और इस एलिमेंट वाली रो और कॉलम को छोड़ दें तो जो बचता है उसका डिटरमिनेंट तो वो होगा 1-1-3 2। ध्यान से देखना, ये है -1 की पावर 2 यानी प्लस का आ जाएगा, और ये डिटरमिनेंट आपका आफ्टर सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2-3 यानी -1। ये बड़े पेशेंस से आपको करना है ठंडे दिमाग से A12, ठीक है। ये है -1 की पावर, इन दोनों का सम यानी कि 1+2, ये रो और ये कॉलम गया तो 2-1 4 2। बहुत कुछ इस एक सिंगल क्वेश्चन में आपको सीखने को मिल रहा है। आपको यहां पर डिटरमिनेंट सीखने को मिल रहा है, आपको पता लग रहा है कि अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, आपको एडजॉइंट निकालना है तो उसके लिए आप कोफैक्टर सीख रहे हो, तो छोटी छोटी बहुत सी बातें इस अकेले क्वेश्चन में आ रही हैं। तो -1 की पावर 3 आएगा तो नेगेटिव साइन आएगा, और ये हो जाएगा 4+4 यानी कि -8, ठीक है। A13 का मतलब -1 की पावर 1+3, रो कॉलम गया 2-1-4-3 पॉजिटिव आएगा, -6 -4 -10 आ जाएगा। देन A21 आप लेंगे तो ये रो और ये कॉलम गया -2 -3 -3 -2, -1 की पावर 2+1 -2 -3 -3 2। ये बड़े ध्यान से करना है, मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ गलती हुई पूरे क्वेश्चन में पकड़ में नहीं आएगी। एग्जाम में प्रेशर भी होता है आपके ऊपर, टाइम कम होता है, थोड़ा पेशेंस से। -4+9 9-4 5, और एक माइनस बाहर है तो ये -5 आ जाएगा। देन A22, ठीक है, A22 का मतलब हो जाएगा -1 की पावर 2+2, और ये डिटरमिनेंट आपका हो जाता है 3-3-4 2 3-3-4 2 पॉजिटिव, 6-12 ये आ गया -6। एंड A23 -1 is 2 power 2+3 A23 3-2 4-3 3-2 4-3 डिटरमिनेंट है भाई, ये एक माइनस बाहर आ गया -9+8 -1, और ये हो जाएगा +1। ये 1-1 2-1 2 1-3, और मैं एक बार इसको टैली भी कर लेती हूँ क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है, 2-1 2-2 2-3 -1 -8 -10 बिल्कुल ठीक है, -5 -6 और 1 ये भी बिल्कुल ठीक है। और अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप अपने आप फाइंड कर लीजिएगा। A31 आएगा -1, A32 ये पेपर में एग्जाम में आपने सॉल्व करके दिखाना, यू हैव टू सॉल्व इट। A32 9 आ रहा है और A33 हमारा 7 आ रहा है, ठीक है। आउट ऑफ 9 आई हैव कैलकुलेटेड 6,
क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम सीख रहे हैं कि एडजॉइंट क्या होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला अब आप देख लीजिए ध्यान से, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33 का ट्रांसपोज। हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालने हैं और फिर उसका ट्रांसपोज करना है। तो एडजॉइंट ए अब यहाँ क्या बनेगा, ध्यान से रखनी है वैल्यू, -1, -8 और भाई -10, देन -5, -6 एंड देन +1 एंड देन -1, 9 एंड 7 का ट्रांसपोज। ये भी ट्रांसपोज का सिंबल है, ये भी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, अभी किया था इसी के फर्स्ट पार्ट में जब हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकाला, रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। तो ये रो ऐसे आ जाएगी, -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, 9 और 7, ये आ गया एडजॉइंट ए। अब इसको डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करेंगे तो ए इनवर्स आएगा। तो ए इनवर्स आपका होता है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। क्यों, क्योंकि जो हमारा डिटर्मिनेंट है ना वो -17 है, काफ़ी लंबा है, तो हम यहाँ लिखते हैं 1 बाय -17। ध्यान से देखना भाई, -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1 और 7। यहाँ मैं छोटा सा काम करने जा रही हूँ, 17 को मैं अंदर नहीं ले जाऊँगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन इसका जो माइनस का साइन है ना उससे मैं सबको कर देती हूँ डिवाइड। तो प्लस प्लस, बहुत सारे माइनस है तो ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब हमारे पास केवल 3 टर्म्स अंदर नेगेटिव रह गई हैं, बाकी सब प्लस की। तो ये तो आ गया ए इनवर्स। यह है हमारा बी, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो वो अब हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं कि एक्स, मैंने आपको बताया था कि क्या होगा ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स ये आपके सामने है 1 बाय 17। देखो प्लस करने से थोड़ा हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, 15186 -9, 15186 -9, देन 10 -1 -7, 10 -1 -7 और साथ में आ गया 814। अब अगली चीज़ आप क्या सीख रहे हो, यू आर लर्निंग अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो अब हम यहाँ मल्टीप्लाई भी करने जा रहे हैं। तो देखिए जरा, ये जो 1 बाय 17 है इसको एज इट इज रखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होकर ऐड होंगे, 8 1 जा 8 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 4 1 जा 4, ठीक है भाई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 8 8 जा 64 प्लस 6 1 जा 6 माइनस 9 4 जा 36। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 10 8 जा 80 -1 -7 4 जा 28। इधर x चल रहा है, इधर x चल रहा है बाहर 1 बाय 17, 8 प्लस 5 13 प्लस 4 17, 64 प्लस 6 70, 70 में से 30 गया 40, 40 में से 6 गया 34, 80 -29, चलिए मैं भी पेन चला लेती हूँ, इट इज़ 51। अब आप देखिए बिल्कुल इजी, 17 से तीनों, 1 बाय 17 का मतलब 17 से तीनों को डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 1 2 3। अब ये जो इधर x था आपका, ये क्या था, ये था कॉलम मैट्रिक्स XYZ, ये आ गया कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3, एंड व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। तो इस कंपैरिजन से x मस्ट बी इक्वल टू 1, y मस्ट बी इक्वल टू 2 एंड z मस्ट बी इक्वल टू 3, और ये हमारी उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आपको वेरीफाई करना हो अपना आंसर तो ये तीनों वैल्यूज आप किसी भी इक्वेशन में रखकर देख लीजिएगा। एक इक्वेशन, पहली ही इक्वेशन, थोड़ा मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, ठीक है। पहली इक्वेशन है आपकी 3x - 2y + 3z = 8। इसमें x के प्लेस पर 1 रखो, 1 को 3 से करो 3, y के प्लेस पर 2 रखो -4, z के प्लेस पर 3 रखो 9 = 8, 9 + 3 = 12, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 = 8। ये पॉइंट हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं देन 6 मार्क्स आर कन्फर्म्ड।
क्वेश्चन नंबर 12 आपको एलपीपी से मिल रहा है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि एलपीपी से दोनों चॉइस एलपीपी से मिलेंगी, और अगर इस तरह की आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये इनइक्वालिटी बनी बनाई मिल जाती है तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, और ये आपकी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैक्सीमाइज जेड इज इक्वल टू 4x + y। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 14.1 का, एलपीपी 14 चैप्टर है। तो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 4x + y, ये हमारा फंक्शन है जिसे हमने मैक्सिमम करना है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ये तीन हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। फर्स्ट इज x + y इज लेस देन इक्वल टू 50, देन 3x + y इज लेस देन इक्वल टू 90, x इज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से करा दी है। ये क्वेश्चन बहुत लंबा टाइम लेता है तो मैं अब इसके सिर्फ आपको की पॉइंट्स बताती हुई चलूंगी। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को इस तरह राइट कर लेना है एग्जाम में। आफ्टर दैट आपने फर्स्ट इनइक्वालिटी को उठाना है और उससे रिलेटेड एरिया आपने लेना है। तो ये आपकी इनइक्वालिटी हो जाती है x + y इज लेस देन इक्वल टू 50। इससे रिलेटेड इक्वेशन बना दो। इक्वेशन बन गई x + y इज इक्वल टू 50। एक्स लिखिए, वाई लिखिए। एक बार एक्स को जीरो रखिए, वाई आएगा 50। वाई को जीरो रखिए, खत्म, एक्स की वैल्यू आएगी 50। इससे आप एक ग्राफ साथ साथ ड्रॉ करते चलेंगे। ठीक है भाई, ये ले लिया वाई एक्सेस, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, क्योंकि देखो ना 50-90 चल रहा है। तो आपने यहाँ पर जो पॉइंट्स मार्क करने हैं वो अपनी समझ से करने हैं कि कितने इंटरवल पर हम लेकर चलें। तो मैं अब फिलहाल 10-10 के इंटरवल पर लेकर चल रही हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है भाई, 10, 20, 30, 40, 50। कई बच्चे कह देते हैं कि मैम हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम थोड़ी चल रहा है ये। अब हमारी भाषा तो हिंदी है, आपको एक्सप्लेन आपके टीचर्स भी हिंदी मीडियम में ही करते हो। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। तो 10, 20, ये आपने एक बात का ध्यान रखना है कि व्हेन यू विल डू दिस क्वेश्चन इन योर फाइनल एग्जाम देन यू विल यूज स्केल और द कंपास, ये डिफरेंस बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? तो x 0, y 50, x 50, y 0। तो एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये। अब इनको ज्वाइन करने से पहले आपने जिस बात पर फोकस करना है वो ये है कि अगर यहाँ इक्वालिटी है देन यू विल ड्रॉ द कंप्लीट लाइन। अगर इक्वालिटी का साइन यहाँ नहीं है तो आप डॉटेड लाइन लेंगे। तो हमारे पास इक्वालिटी है तो हम एक कंप्लीट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं L1। एक तरफ मैं इसकी इक्वेशन लिख देती हूं। ऐसा मैं क्यों करती हूं? क्योंकि फिर हमें बाद में सॉल्यूशन करते टाइम प्रॉब्लम ना हो। ये लाइन ऐसे टेढ़ी नहीं आनी चाहिए, सीधी आनी चाहिए स्केल से। क्लियर है? अब आपने यहां लिखना है L1 इज द ग्राफ ऑफ 1, 2, 3 तो आ चुका है, तो नंबर 4 नाम दे दो। ठीक है, अब एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये L1 इस प्लेन के दो पार्ट्स कर रहा है, अपर एंड लोअर। तो हमारा सॉल्यूशन या तो लोअर पार्ट में है या अपर में। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपनी इनइक्वालिटी में 0, 0 पुट करके देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 in 1। तो मैंने यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, लेस देन इक्वल टू 50। 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, या तो 0 50 के बराबर है या उससे छोटा है। क्या 0 50 से छोटा है? बिल्कुल है। तो इट इज़ ट्रू भाई, ये बिल्कुल सही है कि 0 50 से लेस है। 0 50 से लेस का क्या मतलब है कि 0 इज सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स 0 0 हमारी इस इनइक्वालिटी का एक सॉल्यूशन है। और जब ये हमारी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है तो इसके नियर बाय भी हमारी इनइक्वालिटी के सारे सॉल्यूशंस आएंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी नंबर 1, ये बहुत मिनिमम बता रही हूं मैं आपको लिखना, इज द लोअर पार्ट ऑफ लाइन L1, इज द लोअर पार्ट ऑफ द प्लेन डिवाइडेड बाय L1। ठीक है, तो ये सारा हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। डाउनवर्ड एरो मत लगा, वो आप शेड मत कीजिएगा नहीं तो हॉच पॉच हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही अब आप दूसरी लाइन को पकड़ेंगे इसी लाइन पर।
ये है 3x plus y is less than equal to 90, तो ये हो जाएगा 3x plus y is equal to 90, x को 0 रखो सारा ख़त्म, y 90, y को 0 रखो 3x is equal to 90, 3 से डिवाइड करोगे x की वैल्यू आ गई 30, और x 0 y 90, पॉइंट प्लॉट कर देना, x 0 y 90, x 30 y 0, इक्वालिटी का साइन है, इसलिए हम एक कंप्लीट लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। इसका नाम रख दिया L2, यहाँ इसकी इक्वेशन लिख दी 3x plus y is equal to 90। अब इसकी ये जो डिटेल है ये सारी आप अपने आप लिख लीजिएगा। मैं अब इसमें 0 0 रखने जा रही हूँ, तो 0 plus 0 is less than 90, ये भी फिर से ट्रू है, ये भी फिर से ट्रू है, यानी L2 लाइन का सॉल्यूशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। L2 लाइन का कंप्लीट सॉल्यूशन भी डाउनवर्ड है, लोअर पार्ट में है। क्लियर है यहाँ तक? आगे ये रीजन नंबर 2 लिख लेना यहाँ, ये रीजन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जस्ट ये लिखना है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट सॉल्यूशन लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 1। क्या मतलब है इस बात का? x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये कह रहा है कि हमें x और y की केवल वही वैल्यूज कंसिडर करनी है जो पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव कहाँ होती है? दोनों दोनों पॉजिटिव कहाँ होती है? केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि ये हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ देखना है दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, फर्स्ट लाइन से भी डाउन, सेकंड लाइन से भी डाउन, तो वो कॉमन एरिया कौन सा है? आप इजीली देख सकते हो कि वो कॉमन एरिया ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसे आपने बहुत सफाई से शेड कर देना है, नाम दे देने हैं इनके कॉर्नर्स को ओ ए, दिस जॉइंट इज बी एंड देन सी। अब आप लिखोगे तीनों पार्ट्स कर लिए, देखो फिर सुन लो ध्यान से, रीजन वन इसको सॉल्व किया, रीजन टू लिखोगे आप यहाँ पूरा इस तरह से डिटेल में सॉल्व करोगे, फिर रीजन थ्री आप लोगे और ये लिखोगे, हो गया। अब आप यहाँ क्या लिखोगे कि द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज, जो मैंने बोला है वो लिखना है, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी विच इज शेडेड इन डायर, विच इज शेडेड इन ग्राफ, ठीक है भाई, ग्राफ में हमने उसको शेड कर दिया है तो वो हमारा सॉल्यूशन आ गया। यहीं तक नहीं करना हमने, हमने इन तीनों से जो पॉइंट्स मिलेंगे उसकी हेल्प से इसको मैक्सिमाइज करना है। जब भी आपका ग्राफ बाउंडेड आता है तो कॉर्नर पॉइंट्स पर, जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पर आपका जो है ये फंक्शन या तो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, ए साफ दिखाई दे रहा है 10 20 30, एक्स एक्सिस है तो 30 कोमा 0, सी साफ दिखाई दे रहा है वाई एक्सिस है तो 0 कोमा 60। अब बच गया बी, बी वैसे तो आपको ग्राफ से ही साफ दिख जाएगा 20 कोमा 30 है, ये देखो बिल्कुल साफ सही ग्राफ बना हुआ है मेरा 20 कोमा 30, भाई यहाँ 20 से जा रहा है यहाँ 30, लेकिन लेकिन अगर आपके ग्राफ से क्लियर नहीं हो रहा तो आप L, इस पॉइंट को कैसे निकालोगे? तो ये L1 और L2 का कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो L1 L2 दोनों की इक्वेशंस आपने लेनी है, x plus y is equal to 50 and 3x plus y is equal to 90, 3x plus y is equal to 90 एंड x plus y is equal to 50, और 10th क्लास के एलिमिनेशन मेथड से आपने सॉल्व करना है, एलिमिनेशन जरूरी नहीं है, विच एवर यू लाइक। तो ये कैंसिल, 3x में से x गया 2x is equal to 40, तो x की वैल्यू आ गई 20, जब आप यहाँ x को 20 रखोगे दोनों का सम 50 है तो y की वैल्यू आ जानी है 30। तो हमारे पास ये चार पॉइंट्स आ जाते हैं, थोड़ा मैंने शॉर्ट में कराया है क्योंकि बहुत ज़्यादा समय इसमें लग जाता है। तो अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू जेड की फाइंड करेंगे, उसके लिए आपने टेबल बना देनी है। तो यहाँ तो आपने लिखना है कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ आपने फंक्शन जेड लिखना है 4x plus y, ओ ए बी सी, ओ का मतलब 0 0, ए का मतलब 30 0, बी का मतलब 20 30 और सी का मतलब 0 60।
जेड में पुट कर दीजिए, यहाँ जेड में। जीरो जीरो पुट करोगे जीरो प्लस जीरो जीरो आएगा, थर्टी जीरो पुट करोगे थर्टी फोर जा 120 प्लस जीरो 120 आएगा, 20 और 30 रखोगे तो 24 जा 80 प्लस 30 यानी 110 आएगा। एंड बेटा जी जब आप सी ये जीरो रखोगे यहाँ 60 तो ये 60, हमें मैक्सिमाइज करना है। तो इन चारों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 120, कब, जब एक्स 30 है और वाई जीरो है। तो यहाँ आप लिख दोगे कि हैंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 120 एट एक्स इज इक्वल टू 30 एंड वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो मैंने बताया है मैंने बिल्कुल सही आपको टू द पॉइंट बताया है, इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्राफ नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कॉर्नर पॉइंट्स नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ये टेबल आपकी क्लियर होनी चाहिए, तो आपको इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। दिस इज द ओवर पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, अगेन ऑन द सेम लाइन, मैक्सिमाइज जेड, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव टारगेट जिसको हमने मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। तो ये कंस्ट्रेंट तो अब मैं सॉल्व करूंगी नहीं, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सॉल्यूशन। फर्स्ट को अब हम देखते हैं जल्दी से, 3x plus 5y is less than equal to 15, इक्वालिटी लगा दीजिए x और y, अगले स्टेप में करना है x 0 तो 5y इज इक्वल टू 15, 5 से भाग करिएगा तो y 3 आएगा, y को 0 रखोगे x 5 आएगा। ग्राफ साथ साथ लेकर चलें। देखो आपका जो काम है अच्छे से इनइक्वालिटी को लिखना है, फिर इक्वेशन लेनी है, फिर पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और ग्राफ खींचना है। तो ये आप मिनिमम इतना करते हो, कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हो, जेड की वैल्यूज कैलकुलेट करते हो, तो आपको लगभग पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, बीच की थ्योरी अगर आप नहीं भी लिखते हो तो। तो ये बहुत ही टेढ़ी लाइन खींची हुई है, बिल्कुल बढ़िया लाइन नहीं खींची, तो हम इसे दोबारा ड्रा करते हैं। चलिए भाई, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका अभी भी टेढ़ा है वाई एक्सिस, ठीक है भाई। तो ये आपका है वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5 चल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 एट्सेट्रा। तो देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं हमारे, एक्स जीरो वाई थ्री एक्स फाइव वाई जीरो, इक्वालिटी का साइन है, कंप्लीट लाइन ड्रॉ होगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर छोटी छोटी बात को बार बार आपको बोल कर बताऊँ। तो ये हो गई एल वन लाइन जिसकी इक्वेशन हो जाती है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, इसमें साथ साथ जीरो जीरो पुट करके देख लो। तो यहाँ जीरो रखा तो जीरो प्लस जीरो इज, बस यही देखना होता है कि ये जीरो इसको सॉल्व सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। जीरो इज लेस देन इक्वल टू 15, जीरो 15 से छोटा है, हाँ है, इट मीन्स जीरो वाले पार्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारी पर्टिकुलर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन है। तो जीरो नीचे है, डाउनवर्डेड है, तो हमारा सारा सॉल्यूशन भी डाउनवर्डेड है। अब हम दूसरी इक्वेशन पर आ जाते हैं, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x और y, x को जीरो रखिए खत्म, 2y इज इक्वल टू 10 तो y 5 आ गया, y को जीरो रखिए y वाला पार्ट खत्म, 5 उधर जाएगा 2, पॉइंट्स हैं प्लॉट कर दीजिए, एक्स जीरो वाई फाइव और बेटा जी एक्स टू वाई जीरो, कंप्लीट लाइन आपने ड्रॉ करनी, बिल्कुल सेम जो इससे पहले वाले पार्ट में दिया हुआ था उसी लाइन पर है ये क्वेश्चन, कुछ भी नया नहीं है। तो ये इसका भी सॉल्यूशन आप देखना, जीरो प्लस जीरो लेस देन 10 आएगा, तो इसका सॉल्यूशन भी हमारा डाउनवर्ड ही आएगा। तो मैं इसका सॉल्यूशन भी एक क्वाड्रिलेटरल ही बन रहा है, तो उस क्वाड्रिलेटरल को मैं फिर से शेड कर देती हूँ, ये हमारा सॉल्यूशन बन रहा है ओ ए बी और सी। ओ जीरो जीरो है, ए साफ दिखाई दे रहा है 2 0 है, सी साफ दिखाई दे रहा है 0 3 है, लेकिन बी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो बी को फाइंड करने के लिए अब हमें दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग आवर 10th क्लास रिजल्ट। तो ये है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, ये है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी, सब्स्टिट्यूशन भी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको तो मैं कर रही हूँ 5 से मल्टीप्लाई, इस पूरी इक्वेशन को 5 से और इस पूरी इक्वेशन को 3 से। तो 5 से कर रहे तो 5 3 जा 15x प्लस 5 5 जा 25y इज इक्वल टू 75। इसको 3 से कर रहे हैं 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। माइनस माइनस माइनस, ठीक है,
कैंसिल, 25 में से 6 माइनस करोगे 19y आ गया ना फ्रैक्शन में, देखते हैं आता है कि नहीं, 545 कैंसिल नहीं हो रहा, तो y की वैल्यू, यस वी आर करेक्ट, तो y की वैल्यू आ रही है 45/19, भाई वेरिफिकेशन इज नेसेसरी। अब इस y की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दीजिए, मान लो मैं इसमें पुट कर रही हूँ, तो 3x प्लस 5 × 45/19 इज इक्वल टू 15। सॉल्व कीजिए, 45 को 5 से करोगे 225/19 इज इक्वल टू 15। आगे जा रही हूँ भी मैं थोड़ा, आप देखना जरा, 3x तो इधर ही रह जाएगा लेफ्ट में, और 15 माइनस 225/19 आ गया ना फ्रैक्शन में, ग्राफ से नहीं मिल रहा अब हमें ये सॉल्यूशन, तो 19 को 15 से करो, 19 5 जा 95, कैरिंग 9 19 1 जा 19, प्लस 9 28, माइनस 225, 285 में से 225 माइनस करोगे तो ये आएगा 60/19, और ये 3 यहाँ से कट कर यहाँ चला जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 20/19 और y की वैल्यू आ रही है 45/19। तो ये b के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो अब डायरेक्ट नहीं निकल रहे थे, उसके लिए हमें एलिमिनेशन मेथड को यूज करना पड़ा। आगे ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स बाउंडेड में बहुत ईजी पड़ता है। अब हम जेड को मैक्सिमाइज करते हैं यूजिंग दीज 4 कॉर्नर पॉइंट्स, बस यही कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं भाई कॉर्नर पॉइंट्स, और एक तरफ हम लिख लेते हैं जेड को 5x + 3y। ओ ए थोड़ा खुला खुला लिख रही हूँ ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। ओ 0 0 है, ए आपका 20 है, बी आपका 20/19 और 45/19 है, और सी आपका 03 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। जब 0 0 रखोगे तो भाई जेड की वैल्यू तो 0 ही आएगी। 20 रखो x की जगह 2, तो ये हो गया 5 × 2 + 3 × 0, 5 × 2 = 10 + 0, कितना आ गया 10 आ गया। इसको भी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 × 0 + 3 × 3, 0 + 9 आ गया। अब इसको भी चेक तो करना पड़ेगा ना, तो ये आ गया 5 × 20/19 प्लस 3 × 45/19, नीचे तो 19 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100/19, 3 5 = 15, कैरिंग 1 3 4 = 12, प्लस 1 13, और 19 LCM है, तो ये हो जाएगा 235/19। ये इन दोनों से तो मुझे बड़ा लग रहा है, लेट अस चेक, डिवाइड करते हैं 19 1 जा 19। चलिए भाई अच्छे से डिवाइड कर लेते हैं, 19 1 जा 19, 4 5, 19 2 जा 38, 12 पॉइंट समथिंग आ गया। ठीक है ना, तो ये ऊपर से जब हम 0 लेंगे तो 19 4 जा बड़ा हो जाएगा, 19 3 जा 57, तो ये आपका 12.3 समथिंग आ रहा है, जो कि इन तीनों से बड़ा है, क्योंकि ये 9 है, ये 10 है, ये 0 है, तो ये 12.3 आ रहा है। तो आवर फंक्शन इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, हम इसको स्किप नहीं कर सकते थे। तो लास्ट में हम यहाँ लिखेंगे कि हैंस जेड हैज मैक्सिमम वैल्यू 235/19 एट एक्स इज इक्वल टू 20/19 एंड वाई इज इक्वल टू 45/19। तो ये बेटा जी आपका अगस्त 2021 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 कंप्लीट था। ए सेक्शन नहीं, उसके 3 सेक्शन, सेक्शन ए बी सी, तो पार्ट 1 कंप्लीट था जो कि सब्जेक्टिव था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराती हूँ। किसी भी डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू।